नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। आज अंधविश्वास भारतीय समाज में कितनी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक मां ने अंधविश्वास से प्रेरित होकर अपने ही 7 महीने के बच्चे की जान ले ली। दरअसल दुर्ग जिले के नगपुरा में कुछ दिन पहले एक 6-7 महीने के नवजात बच्चे का शव मिला था। शनिवार की रात को नगपुरा चौक से कटनी वाले रास्ते में बच्चे का मृत शव पाया गया था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो रिपोर्ट के अनुसार मासूम बच्चे को जिंदा पानी में फेंका गया था। तालाब के पानी में डूबने से बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो CCTV फुटेज को खंगाला, तब मालूम हुआ कि बच्चे की माँ ही बच्चे की कातिल है। CCTV फुटेज निकालने पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि बच्चे की माँ ही रात को बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी, उसके बाद से ही बच्चा लापता हो जाता है। अंधविश्वास को इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। अधिक जानकारी पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद सामने आएगी। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है और झाड़ फूंक का सहारा ले रही है। दरअसल हिर्री निवासी दिलीप यादव का 6 माह का बच्चा नगपुरा से बीती रात चोरी हो गया था। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी मालती यादव को डिलीवरी होने वाली थी, इसके लिए वो अपने मायके नगपुरा गई हुई थी। डिलीवरी के बाद वहीं रहकर इलाज भी करा रही थी। 30-31 मार्च की रात करीब 3 बजे मालती उठती हैं और बच्चे को अपने पास न पाकर अपनी माँ और भाई के साथ नगपुरा चौकी जाकर बच्चे की गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराती हैं। इसके बाद अगली शनिवार सुबह बच्चे का शव पास के तालाब में मिलता है। बहरहाल आज अंधविश्वास हमारे जीवन में इतना हावी हो गया है कि एक माँ ही अपने बच्चे की कातिल बन गई, और अंधविश्वास इतनी गहराई तक हमारे जीवन में अपनी जड़ें फैला चुका है और इसे अगर रातों रात समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज को जागरूक किए जाने की आवश्यकता आज है। प्रसार प्रचार माध्यमों और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका को अहम माना जा सकता है, वे एक अंधविश्वास के फैलाव को रोक सकते हैं। और यह ध्यान रखना चाहिए कि विकास के सारे रास्ते हमारे अवरुद्ध हो जाएंगे अगर हम अंधविश्वासों से मुक्ति का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।